Delhi Police pa misa dawai bana laga unit ekta burst kushe edu de 7 June du yulishe special CP crime Shalini Singh pra kushe ki crime branch pra khobor paise ki misa laga cancer dawai market te bikai ase edu pichide 7 June ge du yulishe edu de 2 June do hospital ekta de kam kure Shalini kushe ki tu twitter laga kam do hospital de cancer dawai chulai dia pichide khali daba phela bole laga ase kintu edu daba khan na phela gina rupees 4000 to 5000 pra bi bikai ase cp kushi ke kun taijun logode dawai khan kine dukan bi tai khan aki logode business kriya jani pashe tai khan duita flat spa vials khan fill kri thage aro injections liquid rupees 100 laga kine gina dawai khali daba de inject kri gina bikai kushi eto dawai supply chain do bihar tak punchi she eto nimide crime branch taga team tade punchi gina ase aro investigation do jaise अब तक क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि नकली दवाएं कैंसर की मार्केट में बिक रही हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो अमित गोयल हमारे डीसीपी हैं, जिनकी टीम ने इस पे इन्फॉर्मेशन पे काम किया और पूरा इसका नेक्सस इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इसमें दो लड़के ऐसे हैं जो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो उनके बेसिकली उनका जिम्मेदारी है कि जो दवाएं कैंसर की यूज़ होती हैं उनके जो खाली वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। इसका एक प्रोसीजर पूरा होता है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये उनको डिस्ट्रॉय करने की जगह एम्प्टी जो वायल्स होते थे उनको 4 से 5 हज़ार रुपए में ये आगे बेच दिया करते थे। जो इनसे खरीदने वाले हैं वो भी मेडिकल लाइन के ही हैं, वो फार्मेसी में काम करते थे और उनको ये आइडिया आया था कि इसमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एक एक दवाई कई बार करीब 1.8 लाख का एक एक वायल होता है। तो ये इनसे खाली वायल ले करके और मोती नगर में डीएलएफ वाली सोसाइटी में इन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी, उसमें ये उन वायल्स को फिल कर दिया करते थे। फिल करते थे किसी भी ऑर्डिनरी 100 रुपए वाला इंजेक्शन का वायल लेकर के उसका लिक्विड इसमें भर देते थे। तो जो एक पेशेंट होता है वो तो दवाई पे विश्वास करता है, वो सोचता था कि मैं कैंसर की दवाई ले रहा हूँ और इंस्टेड वो एक रैंडम दवाई उसको मिलती थी जो कि उसके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। फिर इनके कुछ एक इनमें आदमी था जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कई हॉस्पिटल्स में काम कर चुका है, उसको अभी इसमें वो भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था और वो एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी भी चलाता है। तो वो जो फॉरेन से मेडिकल टूरिज्म के नाम पे मार्केटिंग करके वो लोगों को कैंसर का इलाज करवाने के नाम से लेकर के आता था और उन लोगों को भी वो इस तरह से नकली दवाइयां बेच दिया करता था। बोलता था कि डिस्काउंटेड रेट पे आपको सस्ती दवाई दिलवा दूंगा और वैसी मार्केटिंग करके उनको सस्ते में बेचा करता था। लोग ये सोचते थे कि असली दवाई है पर वो सारी नकली दवाई होती थी। तो मैम क्या हॉस्पिटल्स भी अंडर स्कैनर हैं आप लोगों के, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनका स्टाफ अभी 2 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में सारे एस्पेक्ट्स को किया जाएगा। एक चेन इसकी हमारी बिहार तक सप्लाई चेन पहुंची है, तो वहां भी हमारी टीम गई हुई है और वहां भी कुछ समय बाद हम लोगों को पता चलेगा कि कहां गई है, कैसे हुआ है।